हेलो लर्नर्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास एट्थ का लीनियर इक्वेशन का सोल्व किया था। अब हम उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर टू से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, जिसमें हमें इक्वेशन भी बनानी है, इक्वेशन बना के और जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकालना पड़ेगा। तो किसी भी इक्वेशन में अननोन नंबर को हम वेरिएबल मान लेते हैं, किसी भी नंबर को, या तो x मान लिया, a मान लिया, y मान लिया, तो वो वेरिएबल जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, किसी भी नंबर में से अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, तो यू गेट 1/8। यानी उससे ये सारी क्रिया करने के बाद में, यानी ये सारा प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1/8। तो हमें मालूम है किसी नंबर को क्या करना है, किसी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये सब कुछ करने के बाद रिजल्ट हमारा 1/8 आना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन जो भी कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला तो हम मान लिया कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, कोई भी वेरिएबल, जरूरी नहीं हम x माने, हम a भी मान सकते हैं, b मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम x से ही शुरुआत करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को हमने x मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो हमने जो नंबर माना इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 को। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि वेरिएबल कब एरियालेस हो सकते हैं, जब सेम वेरिएबल हों, यानी इसके पास x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तभी हम इसको एरिया लेस कर सकते हैं। अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी हम उसको एरिया लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे x है, इसके पास x नहीं है, तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यही हमारा रिजल्ट हुआ। अब इस रिजल्ट को क्या कह रहा है, वो मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, तो इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, यू गेट 1/8। गेट यानी इसका रिजल्ट अपने पास क्या आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है, बाकी न्यूमरल्स है, तो ये हमारी जस्ट लाइक ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया था, वैसे इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले जो बोडमास का रूल हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट को अंदर जो भी है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, एलसीएम आया 2, तो ये हो जाएगा 2x, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू 1/8। बाकी जैसे जो हैं कि मल्टीपल की जगह मल्टीपल, 1/2 इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 1/8 की जगह 1/8। अब इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर ओनली नंबर ही होता है, यहाँ नंबर होता तो हम एरिया लेस कर देते, लेकिन इसको कुछ नहीं कर सकते। तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, बीच में मल्टीपल का साइन है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2x माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल करते हैं तो वही नंबर आता है, और 2 2 4 इक्वल टू क्या हो गया, 1/8। अब जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, हमारे पास यहाँ 4 पूरे के हैं डिवीजन में, तो इसको या तो ये करें कि बोथ साइड को हम मल्टीप्लाई करें 4 से, या एक सिस्टम और होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से किसी भी वैल्यू को राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर दें तो उसका साइन चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, साइन, कि अगर ये इधर प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीपल में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा, 2x-1, 4 को हम इधर लेके चले गए तो 1/8 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2x-1 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा तो 1 1 जा 1,
और अपॉन टू। अब जैसा कि मैंने बताया था पहले, जो वेरिएबल के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो नंबर्स होते हैं उनको हमें रिमूव करना होता है, तो या तो ये कि यहाँ पे भी ऐड करें वन, क्योंकि माइनस वन है तो ऐड करना पड़ेगा वन, तो इधर भी ऐड करेंगे वन। तो इससे ज़्यादा सीधा तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे जैसे पहले बताया कि इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो उधर जाने के बाद में यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखने की कि जो पहले जो नंबर जिस साइड में है पहले उस नंबर को लिखेंगे के इक्वल टू के राइट हैंड साइड में वन अपॉन टू अगर पहले से है तो वन अपॉन टू पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ माइनस वन था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। नाउ टू एक्स इक्वल टू क्या रह गया, यहाँ पे लिया एलसीएम टू आया तो वन प्लस टू यानी टू एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन टू। अब हमारे पास x के मल्टीपल में है 2, तो उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, ये डिवीजन में जाके 2, तो क्या हो गया x इक्वल टू 3 अपॉन 4। यानी हमने क्या निकाला, वो नंबर निकाला जिसमें से 1 अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट करने पे और 1 अपॉन 2 से रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर 1 अपॉन 8 आ जाएगा, तो वो नंबर क्या होगा 3 अपॉन 4। तो हम लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 3 अपॉन 4, ये हमारा आंसर होगा। ओके लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है जिसमें वो क्या बोल रहा है, किसी भी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल उसका उसने पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर क्या है, 154 मीटर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी उसकी जो लेंथ है ब्रेथ की क्या है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ की डबल से भी 2 मीटर ज़्यादा है। तो जिससे वो कंपेयर कर रहा है कि लेंथ को किससे कंपेयर कर रहा है, ब्रेथ से कंपेयर कर रहा है, तो हम ब्रेथ को किसी वेरिएबल में लेट कर लेंगे, यानी उसको मान लेंगे कि ब्रेथ क्या है एक्स है। तो लेट ब्रेथ ऑफ पूल इक्वल टू एक्स। फिर क्वेश्चन कह रहा है उसकी लेंथ क्या है, तो ये लेंथ आ जाएगी हमारी लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2x, उससे भी 2 मीटर मोर तो प्लस 2, यानी हमने मान ली इसी इसकी लेंथ ब्रेथ क्या है x है, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 2। अब पेरीमीटर कह रहा है तो हमारे माइंड में पेरीमीटर का फॉर्मूला आना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये किसके बराबर दे रखी है 154 मीटर। तो हमने जो लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे लेट की थी ये मानी थी, वो इस फॉर्मूले में रखेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ क्या मानी हमने 2x प्लस 2, लेंथ यही मानी और ब्रेथ क्या मानी x, तो प्लस x, ये किसके बराबर होनी चाहिए 154, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई, अब मैंने जैसे बताया कि सेम वेरिएबल अगर होते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक 2x है और एक x है, तो ये x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x। इस 2 को हम इसके साथ एड या लेस नहीं कर सकते, इसलिए एज यूजुअल रख देंगे इक्वल टू 154। ये क्या फॉर्मेशन आ गई हमारी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे इनको उनको सिंप्लीफाई करते थे वैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि पहले 2 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे बेटर ये है कि 2 इस पूरे के मल्टीपल में है तो हम डायरेक्ट इस 2 को उधर ले जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में किसी भी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये 3x प्लस 2 इधर ही रखते हैं,
टू इधर मल्टीपल में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी अब क्या रह गया हमारे पास, 3x प्लस 2 इक्वल टू 77, 2 से इसको डिवाइड किया तो अब 2 इधर एडिशन में तो शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 75। अब 3 यहाँ मल्टीपल में है तो राइट इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब 75 को डिवाइड किया तो 3 से 25 आया, यानी माने x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 25 आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 25। अब हमने ये लेंथ और ब्रेथ में जो वैल्यू हमने लेट की उसमें इस x की वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो हमारी देयरफॉर लेंथ हमने क्या मानी थी, 2x प्लस 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 25 प्लस 2 मीन्स 50 प्लस यानी 52, और क्योंकि पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ था इसलिए ये भी मीटर, यानी लेंथ हमने क्या फाइंड आउट कर ली, 52 मीटर, और ब्रेथ हमने क्या मानी थी, x मानी थी तो x की वैल्यू 25 यानी ब्रेथ हमारी क्या आ गई, 25 मीटर। ये हमारा आंसर। तो हमने जो इसने स्टेटमेंट दिया था क्वेश्चन में उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अननोन वैल्यू जिसको हमने x माना था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, वो x की वैल्यू फाइंड आउट करके जो हमने प्राइमरी फर्स्ट स्टार्टिंग में जो मानी थी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ उसमें ये x की वैल्यू पुट की जिससे हमारा लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट हो गया। अब इसमें अगर वो आगे पूछता कि इसका एरिया बताइए, हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों हैं तो हम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो यहाँ से हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एरिया आ जाता। इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए तो हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर दी।